हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं 2021 का पेपर, बट हालांकि ये जनवरी का है। और उस पेपर को देख के मैं तो बहुत निराश हुआ, क्योंकि ये पेपर हूबहू 2019 का ही कॉपी है। सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं जो अलग है, बाकी सारे 45 क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो किसी ने भांग खा के ये पेपर निकाला है, ये सेम टू सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो आज के वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहेगा, बाकी के 45 क्वेश्चंस अगर आपको रिपीट करने हैं तो 2019 का पेपर आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। इस वीडियो में मैं सिर्फ वो 5 क्वेश्चन ही समझाने जा रहा हूँ जो कि नए हैं, और एल्स बाकी सब तो आप जानते ही हो। तो विदाउट टाइम को वेस्ट करें, हम शुरू करते हैं 2021 का जनवरी का पेपर। यहाँ पे मैंने नोट डाल दिया है, गुजरात यूनिवर्सिटी। हाँ, ओनली 5 न्यू क्वेश्चंस आर देयर, 45 आर सेम एज 2019। और इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके खुद भी चेक कर सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन सेम है। हालांकि मैंने यहाँ पे हर क्वेश्चन के बाजू में लिखा है ऑल्सो इन 2019, ऑल्सो इन 2019। और इसके पीडीएफ में भी मैंने फॉर्मूला तो डाल ही दिए हैं, ताकि अगर आप रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन नए हैं वो मैंने क्वेश्चन के नीचे लाइन बना के रखी है, तो आप उसी हिसाब से उसको समझ सकते हो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द टू होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:5, द टू नंबर्स आर। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी डिफरेंस की बात करते हैं हम, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही नंबर नहीं दिए, तो एक को कंसिडर करना पड़ेगा आपको, बड़ा नंबर। यहाँ पे मैंने बड़े नंबर को एक्स कंसिडर किया है, छोटे नंबर को वाई कंसिडर किया है। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 66 दिया गया है। द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:5। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो यहाँ पे अगर आपने x अपॉन y लिया तो आपका आंसर नहीं बैठेगा, आपको y अपॉन x लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, तो ऑफ कोर्स जो ऊपर नंबर लेंगे वो छोटा लेना पड़ेगा, नीचे नंबर लेंगे वो बड़ा लेना पड़ेगा। अगर इस हिसाब से इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 110 and 44। यहाँ पे दोनों इक्वेशन मैंने लिख रखे हैं, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 625.25 m². तो द मेजर ऑफ साइड इज, मान लो कि कोई स्क्वायर बक्सा है जिसका टोटल एरिया दिया गया है 625.25 m². अभी आप सभी को पता है कि स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो विच इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। तो यहाँ पे लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू 625.25 कर देंगे, तो एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 625.25 निकलेगा। अभी 625.25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप सबसे बेस्ट मेथड है लॉन्ग डिविजन मेथड। उससे भी अच्छा और एक रास्ता है शॉर्टकट, कि 625 है तो वो 25 का स्क्वायर रूट है, बट यहाँ पे चारे ही ऑप्शन 25 में है। और 0.25 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो 0.005 हो जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे 25.005 आंसर आ जाता है। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना सीखना है तो चैनल के ऊपर लॉन्ग डिविजन मेथड के ऊपर एक वीडियो है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। बाद में ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे 2019 के ही है, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है 8th 11। हाँ, ये 8th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इफ 2x/3+1=7x/15+3। यहाँ पे आप क्या करो, x वाले टर्म्स को एक तरफ ले लो, y वाले टर्म्स को एक तरफ ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर x वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेते हो तो 7x/15 - 2x/3 दोनों के बेस अलग होने की वजह से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x/15 = 2। तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा x = 10। 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन नया है, ट्रिग्नोमेट्री का है, आपको ज़रूर से देखना चाहिए। 1 - cos a / sin a इज इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पे आप 1 - cos है तो ऊपर और नीचे आप 1 + cos a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। इस मेथड को हम बोलते हैं रैशनलाइज द न्यूमरेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर और रैशनलाइज द न्यूमरेटर दो होता है। उसमें हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस जहाँ पे हो उसकी साइन बदल के हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 - cos a है
तो वन प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो आप सिंप्लीफाई करोगे सारी चीज़ें, वन माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अगर आइडेंटिटी डालते हो तो साइन ए अपॉन वन प्लस कॉस ए आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन था इजी। थर्ड स्लाइड पे देखते हैं, थर्ड स्लाइड पे 15th क्वेश्चन है, वो नया है। द लाइन जॉइनिंग पी माइनस टू कॉमा थ्री एंड क्यू फोर कॉमा थ्री, अगर आप इसको एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करोगे तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से हमेशा पैरेलल होगी, और जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है वो बट ऑब्वियस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे ए और सी। आप बोलोगे सर एक ही क्वेश्चन के दो आंसर होंगे तो एग्जाम में क्या करेंगे, तो एग्जाम में ये लोग आपको ए बी सी डी करके दे देंगे कि ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, वैसे करके आपको ऑप्शन दे देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फोर्थ। अभी है फोर्थ में कोई नया नहीं है, फिफ्थ में भी कोई नया नहीं है, सिक्स्थ में भी कोई नया नहीं है, सेवन्थ नो नॉट एन एथ, एथ में भी मुझे याद है नहीं है। ठीक है, तो आज का सबसे शॉर्टेस्ट पेपर सॉल्यूशन रहा होगा हिस्ट्री में, क्योंकि पांच ही नए क्वेश्चन थे। ये कभी कभी गुजरात यूनिवर्सिटी में, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में ये लोग कभी आलस कर देते हैं, सेम टू सेम पेपर छाप देते हैं, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पर रखते हैं। आपको अगर मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट साइंस के सॉल्यूशन में।